राम बजट 2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, जिसमें आम जनता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बजट आज पेश हो गया है और इसमें जनता के जो उम्मीदें थी उसमें ये बजट कितना खरा उतरा है, तो इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दो लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बजट में क्या कुछ मिला। सर तपेश चंद गुप्ता जी जो हमारे साथ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, सर किस तरह से देखते हैं आप पूरे बजट को? बजट में मुख्य रूप से इन्होंने किसान पर, युवा वर्गों के लिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, कुछ हद तक इन्होंने चिकित्सा पर भी ध्यान दिया है, पर विशेष तौर पे जो इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है वो कृषकों पर किया है। कृषि के लिए जो योजनाएं हैं, जो नीतियां बनाई हैं और अभी जो घोषणाएं की है, पहले तो प्रस्ताव रखकर उसे अनुमोदन प्राप्त किया बजट के रूप में, जो प्रावधान दिए हैं निश्चित तौर पे बहुत ही सकारात्मक है। किंतु जहां तक नौकरी पेशा वालों को वेतन पर छूट देने की बात थी और सरलीकरण की बात थी, जैसे कि सीतारमैया जी ने कहा, बहुत सही कहा था कि सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इतना सब करने के बाद आखिर में एक लाइन कह दिया, पुरानी चीजें लागू होगी या नहीं लागू होगी ये निर्णय लेना ये करदाता के ऊपर छोड़ा। और जब पूरा हमने उसकी गणना की तो हमने पाया इससे कोई विशेष लाभ नहीं है, यह सिर्फ एक छलावा है। आयकर में छूट का जो प्रावधान बताया गया उससे कोई विशेष लाभ नहीं है लोगों को, चीजें वही बैठती है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कर का दर कम कर दिया और कटौती और छूट को समाप्त कर दिया। समाजशास्त्री भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, हमसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये बजट समाज के लिए कितने फायदेमंद है? समाज के लिए तो फायदेमंद है, परंतु वो केवल 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए फायदे है। 5 लाख से ऊपर जो भी लोग हैं समाज में, जो भी है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और मैं चूंकि खुद महिला हूँ तो मेरे साथ घरेलू व्यवस्था भी जुड़ी हुई है, घर भी देखना पड़ता है और कामकाजी महिला भी हूँ, तो कामकाजी महिला होने के नाते महिलाओं को कोई विशेष छूट नहीं मिला। जहाँ तक हमें याद है, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो महिलाओं को कम से कम 5,000 की छूट मिली थी, इनकम टैक्स स्लैब के बाद 5,000 की छूट मिली थी, वो उसके बाद हमें कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। तो अभी आपने समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री दोनों को सुना, जिनका साफ कहना है कि जो महिला वर्ग है ठगी सी महसूस कर रही है, तो वही जो युवा वर्ग है उनके लिए प्रावधान तो किए गए हैं, लेकिन इसका संचालन किस तरह से होता है, बाकी पिछले सालों की तरह हुआ तो इस बार भी युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।